हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। कोहरे की सफेद चादर के साय में रात के अंधेरे में क्राइम का ग्राफ लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है। सूबे में चोर, लुटेरे, हत्यारे, हर तरह के अपराधियों के हौसले इस वक्त बुलंद हैं और पुलिसिया कार्यशैली सवालों के घेरे में। और प्रदेश से एक साथ कई जगहों से चोरी की खबरें आई हैं और साथ लेकर आई हैं कई सवाल। पुलिस आखिर क्यों क्राइम को कंट्रोल करने में नाकाम नजर आ रही है और आखिर कैसे वारदातों में लगातार इजाफा हो रहा है, आज उसी को लेकर के हम आपके सामने ये कार्यक्रम लेकर के आए हैं। और जरा आपको पांच अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर चोरी की वारदातें, अपराध किस तरीके से हरियाणा में अलग अलग हिस्सों में तेजी के साथ बढ़ रहा है, जरा उसकी एक तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। होडल की तस्वीर, शाहबाद, कोसली, फतेहाबाद और होडल, इन अलग अलग जगहों पर प्रदेश के अंदर जिस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, चोर तेजी के साथ इन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं और ऐसे ही मामलों को लेकर के जब पुलिस से उम्मीद जनता लगाती है कि पुलिस इस ऐसे मामलों को रोकने के लिए कुछ हद तक काम करे, तो ऐसे में क्या पुलिस की द्वारा कदम उठाए जाते हैं, इसको लेकर के बहुत सारी तस्वीरें सामने आती हैं, बहुत सारे दावे किए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा, लेकिन उन सब दावों के बीच ये असल सच्चाई है हरियाणा प्रदेश की, जहां पर लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। चलिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की आपको तस्वीरें दिखाते हैं। भूना से हमारे संवाददाता सतपीर लंबूरिया इस वक्त जुड़ चुके हैं, जरा उनके पास सीधे रुक कर लेते हैं। सतपीर, जरा बताइए कि भूना के अंदर क्या स्थिति है, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की हम तस्वीरें अपने सभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, प्रदेश में किस तेजी के साथ अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जरा भूना के अंदर की तस्वीरें बताइए। देखिए शुभेंदु, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये रात की घटना है। देर रात को लगभग 12:39 पर एसएचओ भूना के पास बॉम्बे से कॉल आई और उन्होंने बताया कि जांडली खुर्द का इसी तरह जो एटीएम है उसको चोरों द्वारा उखाड़ा जा रहा है और उसके तुरंत बाद जैसे ही एसएचओ लगभग 12:44 पे हमने जो सीसीटीवी फुटेज देखी है, एसएचओ अपनी टीम के साथ यहां मौजूद पहुंचे तो उस वक्त यहां इनोवा गाड़ी में सवार कुछ युवक इस एटीएम के जिसके बाहर हम मौजूद हैं इसको तोड़ा जा रहा था और जैसे ही पुलिस की गाड़ी चोरों ने देखी तो उस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और जैसे गाड़ी पर भी पथराव किया और एक दो चोटें जो है जो पुलिस स्टाफ के सदस्य थे उनको भी आई। और ये एक मैं कहूंगा कि पुलिस ने इस पे बहुत बढ़िया तरीके से कामयाबी हासिल की है, चोरों को दबोचने में सफल रही है। हालांकि पुलिस भी लगे होते हैं सतबीर, क्या उनके जरिए पहचान हो पाई है कि कौन लोग थे और इतना मनोबल कैसे बढ़ गया कि पुलिस के ऊपर ही पथराव किया जाता है? देखिए शुभेंदु, ये मैं कतई क्लियर करना चाहूंगा कि हौसले इतने बुलंद हैं चोरों के, आए दिन हर गली मोहल्ले में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और ऐसा यहां भी हुआ है। सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों तक पहुंचने के लिए पुलिस जो है वो पूरी तरह से जुटी हुई है और पुलिस अभी डीएसपी साहब यहां मौजूद थे, जांच करने आए थे, उनसे हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जल्द ही चोरों को काबू कर लिया जाएगा। हालांकि सीसीटीवी फुटेज में अभी तक पूरी तरह उनके जो चेहरे हैं वो क्लियर नहीं हो पाए। चलिए, लीड अभी तक पुलिस के पास कोई नहीं है। मैं सतबीर आपके पास आऊंगा और भरत साबरी भी हमारे साथ हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से सीधे जुड़ चुके हैं, हम दोनों के पास जाएंगे, जरा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे कि पुलिस जब एक तरफ ये कहती है कि हम पुरजोर तरीके से कदम उठा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ असल सच्चाई क्या है, वो आपको जरा इस रिपोर्ट के जरिए भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मौजूदा वक्त में आज अपराध का ग्राफ किस तेजी के साथ बढ़ रहा है और दूसरी तरफ बयान जो दिए जाते हैं मंत्रियों के द्वारा, प्रदेश में सुरक्षा का घेरा बताने की बात की जाती है लेकिन क्या है वो घेरा, जरा इस रिपोर्ट में आप देखिए। Okay।
बिल्कुल उसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे, लेटेस्ट व्हीकल का उनको मुहैया कराएंगे और जल्दी ही हम डायल 112 शुरू करने जा रहे हैं और उसके लिए 600 गाड़ियां हम खरीदेंगे, बिल्कुल नई गाड़ियां खरीदेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि जब भी कोई डिस्ट्रेस कॉल आए तो 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पुलिस पहुंच जाए। ये दावे कई बार कर चुके हैं गब्बर साहब, कई बार कह चुके हैं पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त रहेगी, कई बार लोगों को भरोसा दिला चुके हैं वो सुरक्षित हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, घर बार सुरक्षित है, लेकिन गब्बर साहब आपकी पुलिस ही आपको गलत साबित करने पर आमादा है। जैसे एक के बाद एक चोरी की वारदातें सामने आ रही हैं, पुलिस न जाने कहां सो रही है, कहीं एटीएम, कहीं दुकान, कहीं घर और तो और बैंक भी निशाने पर है। चोरी जारी है, लगातार हो रही है चोरियां, होटल फतेहाबाद, कोसली, शाहबाद, हर तरफ से चोरी की खबरें आ रही हैं। हालांकि होटल में पुलिस को कामयाबी जरूर मिली है। इन्होंने ना 29 तारीख को ये लड़का अपने एटीएम से पैसा निकाला, तो ये अपने चिटिंगबाजी करके नहीं उसका एटीएम बदल के और दूसरे एटीएम से पैसा निकाल लिए इसने, जो ये 29 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था तो मुखबर के उस पर अब गिरफ्तार किया था अपने पुराना मोड़ से, जो मोटरसाइकिल इसकी रिकवरी कर दी जिससे ये आते जाते वारदात करते थे। होटल में भले ही कामयाबी मिली हो लेकिन सवाल कई अभी बाकी हैं। क्यों चोरी की वारदातों में इजाफा हो रहा है, कैसे चोर इतने बेखौफ हैं, पुलिसिया कार्यशैली भी सवालों में है और तो और फतेहाबाद में पुलिस वालों पर पत्थर चलाकर चोर फरार हो गए और पुलिस इतनी मुस्तैद थी कि चोरों को पकड़ भी न सकी। खैर क्राइम बढ़ना तो तय है अगर पुलिस सुस्त होगी। इनकी सुस्ती और महिला सुरक्षा के दावों का सच तो महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज के दुर्गा शक्ति ऐप के रियलिटी चेक में सामने भी आई, जहां गुहार लगाने के बाद भी पुलिस को पहुंचने में आधा घंटा लग गया और दुर्गा शक्ति के अधिकारी महोदया को तो लगभग एक घंटा लग गया। देखिए ये आप ही के सामने हुआ था रियलिटी चेक एंड ये आप लोगों की जो अपने मेरे ऊपर प्रश्न दागे और उसी को जानते हुए भी मैंने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद मैंने एक रियलिटी चेक करते हुए वहां पर फोन किया जो कि पंचकुला में मिला और पंचकुला से उन्होंने हिसार में ट्रांसफर करना था लेकिन इसमें कुछ समय लग गया और 27 मिनट का समय टोटल लगा इसको होने में। 27 मिनट बाद क्या दुर्गा शक्ति पहुंच पाई मैम? देखिए दुर्गा शक्ति तो नहीं पहुंच पाई लेकिन आसपास के जो वहां का आसपास का जो पुलिस स्टेशन है वहां के पुलिसकर्मी पहुंचे। मैम कहां कमियां कहां लगती है मैम आपको? देखिए मुझे कम्युनिकेशन गैप लगता है एक तो, और जो एक जो उन्होंने सिस्टम्स बनाए हुए हैं, नाम क्या है, पति का नाम क्या है, कहां पर है, यदि मैंने ऐप डाउनलोड करी है तो आपके पास लोकेशन भी है, लोकेशन है तो आप तुरंत पहुंचे, आपके पास मेरा फोन नंबर भी है, तो जैसे 1091 है या फिर दुर्गा शक्ति का जो है वो एप्लीकेशन डाउनलोड होती है, कई बार कुछ लोगों से डाउनलोड नहीं हो पाती बस, लेकिन यहाँ पर आपके सामने एवरीथिंग वाज वेरी दूध का दूध पानी का पानी था। नाम भी बताया आपने मैम? जी मैंने अपना पूरा नाम बताया, अपने हस्बैंड का नाम बताया, प्रॉपर लोकेशन पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हिसार में बताया, फिर भी 27 मिनट एक पुलिस को पहुंचने में लग गए लेकिन दुर्गा शक्ति टीम नहीं पहुंची अभी तक। लगातार हो रही चोरी, लूट, हत्या, इन सब ने जो सवाल पूछे उसका जवाब गब्बर साहब को और पुलिस को देना होगा, साथ ही समाधान ढूंढना होगा और सबसे जरूरी अपनी मुस्तैदी और कार्यशैली पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। वैसे भी चोर आजकल कहीं होंडा सिटी में आ रहे हैं, कहीं इनोवा में, यानी चोर अपग्रेड हो रहे हैं और पुलिस इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
चलिए, तो ये रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इस रिपोर्ट के जरिए प्रदेश के अंदर आज मौजूदा वक्त में क्या स्थिति बनी हुई है उसकी एक हमने तस्वीर देख ली है। लेकिन जरा अलग अलग जगहों से, प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से, जहां जहां अपराध की वारदातें अभी हुई हैं, वहां से हमारे संवाददाता भी सीधे जुड़ चुके हैं। जरा उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वहां पर अब मौजूदा वक्त में क्या हालात हो चुके हैं और किस तरीके से पुलिस इस पूरे मामले पर एक्शन ले रही है। लेकिन दो संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और हमारे साथ रोशन लाल होडल से हमारे संवाददाता फुलाइन पर जुड़ चुके हैं। रोशन लाल, जरा मैं सबसे पहले आपके पास ही आता हूं, क्या होडल के अंदर तस्वीरें हैं और पुलिस जब एक तरफ ये दावा करती है कि प्रदेश के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदारी उनकी है, तो कहां आखिर कमी रह जाती है? तकनीकी रूप से पुलिस उतनी ज्यादा सक्षम नहीं है जितने कि चोर और लुटेरे बदमाश हो चुके हैं। जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन दावा कर रहा है कि लोगों को समय पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी, चोरी की वारदातों पर लगाम लगाया जाएगी, लेकिन क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जहां पे एक भी एक ढाबे पे एक कैंटर आके खड़ा होता है, उसमें से 200 के तेल के टीन वो चोरी हो गए। एक एटीएम बूथ है जहां पे बदमाश आके वहां से एटीएम तोड़ने की कोशिश करते हैं। लगातार जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसमें सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों पे सवालिया निशान लग रहा है। रोशन, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर होटल के अंदर से भी जो तस्वीरें सामने आई थी, पुलिस के पास अभी तक कोई लीड है, कोई जानकारी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, पुलिस ने इस मामले में एक कार्रवाई की है, जो एटीएम से एक पैसे निकालने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस उस मामले में जांच भी कर रही है कि भाई इन्होंने कितने बूथों से पैसे निकालने के घटना को अंजाम दिया, उस मामले में पुलिस जुटी हुई है। लेकिन रोशन लाल, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी मिल पाई है कि जिस गाड़ी से बदमाश आते हैं, चोर आते हैं, क्या वो उनकी अपनी गाड़ी है या फिर वो गाड़ी भी चोरी की है? जी, मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कि जो भी गाड़ियां होती है, ये मुठभेड़ होती है, उसमें गाड़ियां छोड़ जाती है, उस पर देखा जाता है, तो वो चोरी की वारदात में शामिल हुई गाड़ी है, वो चोरी की पाई जाती है। उनका घटना स्थल से या किसी मालिक से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन क्या अभी तक पहचान हो पाई है कि ये गाड़ी आखिर किसकी है? जी, मैं बताना चाहूंगा, अभी तक इस मामले में किसी का ये पहचान नहीं हो पाई है, गाड़ी किसकी है, क्या मामला, पुलिस जांच में जुटी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रोशन लाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जरा आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र आपको सीधे लिए चलते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर भी लगातार ऐसी ही वारदातें जब सामने आ रही हैं, सुरक्षा व्यवस्था का क्या घेरा है आप बताइए भरत, क्योंकि प्रदेश की जनता भी ये समझ रही है कि कुरुक्षेत्र धार्मिक नगरी, और ऐसे में इस इलाके के अंदर यदि लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, जैसे कि आप पहले भी रिपोर्ट हमें बताते रहे हैं, तो तेजी के साथ जो अपराध बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है? बताना चाहूंगा, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, जिस तरह आपने अभी कहा कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र जो है, देखिए पर्यटन स्थल भी है और धार्मिक नगरी भी है। एक घटना तो पिछले दिनों ऐसी हुई थी, जिस पर हरियाणा न्यूज ने स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाई थी, कि जब अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव चल रहा था और पुलिस बड़े बड़े दावे जो है सुरक्षा के कर रही थी, तो गीता जयंती के आयोजन से जो है कुछ ही दूरी पर दुकानों में चोरी होती है, वहां से दुकानों से चोर जो है मोबाइल और दूसरे जो सामान है और कैश लेकर गायब हो जाते हैं। उस मामले का अब तक खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद उसी के साथ लगते रोड पर जो है सोने के जो व्यापारी हैं, उनकी दो या तीन दुकानों में चोरी हो जाती है, उस मामले का भी खुलासा नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ लाडवा है, लाडवा के अंदर भी एक मोबाइल की दुकान और एक जो व्यापारी थे सिगरेट व्यापारी, उनकी दुकान में चोरी होती है, जहाँ से अमाउंट भी बड़ी थी, 700 रुपये के लगभग वो अमाउंट बताई जा रही थी। उस मामले का पुलिस अब तक खुलासा नहीं कर पाई है। और अब दूसरी जो बड़ी घटना सामने आई है, वो शाहबाद से सामने आई है। देखिए, और इसमें देखिए चोर इतने अपग्रेड है कि वो होंडा सिटी गाड़ी से आते हैं और बेखौफ तरीके से, जो तस्वीरें हैं आपके सामने आप खुद देख सकते हैं, दर्शक भी देख सकते हैं, कि उन तस्वीरों के अंदर जो चोर हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम दे रहे हैं, शटर उखाड़ रहे हैं, कहीं उनके चेहरे पर कहीं डर नहीं है या उन्हें किसी बात की टेंशन ही नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। इस तरह से एक दुकान का शटर उखाड़ा उन्होंने, जैसे उनकी अपनी दुकान हो, और वो जो दुकान है वो मुख्य सड़क पर दुकान है ये तो बहरहाल। उसके बाद उन्होंने केमिस्ट की ही जो दुकानें थी, 4 से 5 दुकानें और उन्होंने चोरी की। देखिए सुरेंदु, और पुलिस जो है इसको दो एंगल से जोड़कर देख रही है, एक चोरी का एंगल और दूसरा देखिए नशे से जुड़े कुछ लोग भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो है नशे को लेकर भी सख्ती जो है पूरे हरियाणा प्रदेश में चल रही है, तो शायद उसको लेकर भी जो चोर है। लेकिन उन दावों का क्या भारत, उन दावों का क्या जो अब प्रदेश की सुरक्षा को लेकर लगातार मंत्री देते हैं? गृह मंत्री की तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी पुलिस को और भी ज्यादा तकनीकी रूप से सक्षम करने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये देख रहे हैं हम कि यहाँ
कुरुक्षेत्र के अंदर भी जब आप कह रहे हैं कि एक गाड़ी से चोर आते हैं, तो क्या अभी तक ये भी पहचान हो पाई है कि गाड़ी आखिर किसकी है? क्या ये गाड़ी भी चोरी की है? देखिए पुलिस के कोई जानकारी पुलिस ने अब तक जो है हमसे शेयर नहीं की है, पर पुलिस के हाथ अब तक खाली है क्योंकि पुलिस की जिस तरह से सुबह से खबर चल रही है तो लगातार पुलिस विभाग जो है वो हमारे संपर्क में है और उनसे लगातार हर बात पर अपडेट ली जा रही है कि इस मामले में क्या कार्रवाई की गई। तो पुलिस अधिकारी जो है वो जल्द ही इस मामले के खुलासे का दावा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें पुलिस या दावों की, तो पुलिस जो है हर रोज जो है पुलिस दावे करती है पेट्रोलिंग के और दूसरी सुरक्षा व्यवस्थाओं के। तो देखिए शुभेंदु, जब इस प्रदेश में व्यापारी जो है वही सुरक्षित नहीं है, मुख्य सड़क के ऊपर जो दुकानें हैं वो सुरक्षित नहीं है, तो आप एक आम आदमी को जो अपने घर के अंदर बेफिक्र होकर सोने की बात करता है तो वो अपने आप को कैसे सुरक्षित मान सकता है, कैसे वो उस पुलिस के जिम्मे अपने? यही बड़ा सवाल है कि आखिर अपने आप को लोग सुरक्षित कैसे महसूस करें? सरकार और मंत्री तो ये कह रहे हैं कि आप सुरक्षित रहिए, लेकिन जब प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है, लगातार ऐसी तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं, तो आखिर जनता कैसे ये महसूस कर पाए? आगे बढ़ते हैं, जरा फतेहाबाद का रुख कर लेते हैं। सतबीर लंबोरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सतबीर, अभी तक इस मामले में पुलिस के पास कोई लीड है? देखिए शुभेंदु, मैं क्लियर करना चाहूंगा कि अभी तक पुलिस जो है वो किसी की चोर तक नहीं पहुंच पाई है, और चोर जो है वो खुलेआम यहाँ हर रोज अपनी घटनाओं को अंजाम देके जाते हैं। आज भी ये पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये एटीएम बूथ है जिसको रात को तोड़ने की कोशिश की गई है चोरों द्वारा, और उसके बाद आप जो पुलिस है वो यही दावा कर रही है कि चोर हमारे सामने से भाग गए, चोर इनोवा में थे, हमारे पास छोटी गाड़ी थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो अपने झूठे और खोखले दावे अभी भी कर रही है। अगर पुलिस चाहती तो शायद उसके सामने से ही चोर भागे हैं, वो किसी भी सूरत में उसको गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन चोर जो है वो उल्टा पुलिस के ऊपर ही पत्थरबाजी करके और भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। यानी ये सरासर पुलिस के जो दावे हैं वो थोड़ी खोखले हैं। चलिए खैर, बहुत शुक्रिया हमारे दोनों ही संवाददाताओं का इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये तो समझ में आ रहा है कि प्रदेश में जिस तेजी के साथ अपराध बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं, उन पहलुओं को भी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात यह भी है कि जितना तेजी के साथ तकनीकी रूप से बदमाश सक्षम हो रहे हैं, पुलिस को भी उतना ही मजबूती के साथ जल्दी से जल्दी अपने आप को मजबूत करना होगा। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी इन सभी पहलुओं पर एक बार फिर से नजर बनाएंगे। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, और बात अपराधी मस्त और पुलिस पस्त, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में आज जो स्थिति बनी हुई है और आज जो तस्वीरें लगातार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है वो कुछ इसी ओर इशारा कर रही है। आपको बता दें कि एक तरफ सरकार के नुमाइंदे सरकार की तरफ से बार बार ये बयान दिए जाते हैं, मंत्री बार बार ये कहते हैं कि आप बेखौफ होकर प्रदेश के अंदर रहिए, और कई बार पुलिसिया व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात की जाती है, कई बार लोगों को भरोसा गृह मंत्री के द्वारा भी दिलाया जा चुका है कि वो सुरक्षित रहें और महफूज हैं, उनका परिवार सुरक्षित है, हर बार सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन जब गृह मंत्री एक तरफ ये बयान देते हैं, दूसरी तरफ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में चोरी और अपराध की कई घटनाएं होती हैं। ये तस्वीरें आप सीसीटीवी फुटेज की देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बदमाश किस शातिराना अंदाज से चोरी कर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस वहां यदि पहुंचती भी है, क्योंकि फतेहाबाद के अंदर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाश उल्टा पत्थरबाजी पुलिस के ऊपर कर देते हैं, तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं। दूसरी तरफ गाड़ियों से बदमाश आते हैं, यानी कि अपने आप में हाईटेक हो चुके हैं। ऐसे में यह भी सवाल है कि अलग अलग रास्तों पर नाके लगाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, बैरिकेटिंग की जाती है, तो यदि वो गाड़ी चोरी की ही है जिसका इस्तेमाल चोरी करने में चोर बदमाश कर रहे हैं, तो क्यों नहीं बैरिकेटिंग के दौरान ऐसी गाड़ियों को रोक लिया जाता है? और बार बार ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि इन चीजों को लेकर के तस्वीरें आखिर क्यों नहीं बदल पा रही हैं? एक तरफ सरकार बार बार ये जब दावा कर रही है तो क्यों आखिर जमीन पर तस्वीरें अलग हैं? क्या पुलिसिया व्यवस्था के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव की अभी गुंजाइश है? क्या पुलिस का खौफ लगातार कम होता चला जा रहा है, जिसकी बार बार हर कोई चर्चा करता है? विपक्ष लगातार सरकार के ऊपर हमलावर है,
कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था है ही नहीं, कानून व्यवस्था का राज खत्म हो चुका है, अपराध का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, यह बार बार सरकार की कमी को इसमें दर्शाता है, यह विपक्ष इस बारे में बार बार कहता है। लेकिन आखिर इस तरफ सरकार क्या ध्यान नहीं दे पा रही है, क्या पुलिस की तरफ से कोई कोशिश नहीं की जा रही, ये ऐसे कई सवाल हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि बार बार विपक्ष की तरफ से भी कहा जाता है कि सरकार अपराध के ग्राफ को कम करने में नाकाम साबित हो रही है, दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर अलग अलग हिस्सों से चोरी लूट की घटनाएं सामने आ रही हैं, पुलिस यदि मौके पर पहुंचती है तो उल्टा बदमाश पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करने लगते हैं, क्या यह मान लिया जाए कि प्रदेश के अंदर स्थिति अब उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है? देखिए, प्रतिपक्ष के पास क्योंकि मुद्दे नहीं है, इसलिए वो जब भी कोई घटना अपराध की होती है तो उसको उस घटना के होते ही ये ऐलान करने की हड़बड़ाहट होता है, जल्दबाजी में होता है कि कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अपराधी या कानून व्यवस्था को खराब करने वाले तत्वों के बीच में और पुलिस प्रशासन के बीच में निरंतर एक संघर्ष चलता है, प्रतिपल की लड़ाई है, हर दिन हर पल पहरेदारी करनी होती है। अपराधी कभी कभार अपराध करने में कामयाब हो जाते हैं और जब वो हो भी जाते हैं तब भी उनको नाथने के लिए हर संभव इंतजाम इस प्रदेश के भीतर है। हम अपराधियों को न बचाते हैं न संरक्षण देते हैं। हम पर आरोप लगाने वाले लोग पहले अपना गिरेबान झांकें, जब वो सत्ता में थे उनके ऊपर ये आरोप था, उनके व्यवहार से ये झलकता था कि वो अपराधियों के साथ साठगांठ करके चलते हैं, वो जेलों में जाकर के अपराधियों से मिलते हैं या अपराधियों को संरक्षण देते हैं। इस सरकार पर ये आरोप न था न लग सकता है। हम अपराधियों के नहीं, वीरेंद्र सिंह जी मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लगातार जो अभी हाल फिलहाल के अंदर जो मामले सामने आ रहे हैं और इससे पहले भी जब एक रिपोर्ट के जरिए कहा गया और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के आधार बनाया कि हरियाणा के अंदर कम से कम जो पहले रोजगार के मामले में सबसे आगे था, विकास के मामले में सबसे आगे था, अब वो अपराध के मामले में सबसे आगे पहुंच चुका है। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अब बहुत सारी चीजें बदली और गठबंधन में अब सरकार एक बार फिर से जब सत्ता में आई है, बीजेपी एक बार फिर से जब सरकार में है, तो क्या नए सिरे से आपको लगता है कि कुछ नई प्लानिंग होनी चाहिए कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा पहले के मुकाबले और भी ज्यादा बेहतर करने के लिए? ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, हमने कहीं कोई ढील आने नहीं दी है और चीजों को दुरुस्त किया जाए इससे कभी इनकार किया नहीं है। हाँ, इस बात को स्वीकार करना चाहिए सबको, आपको भी समझना चाहिए, आपके दर्शक भी इस बात को समझते हैं कि क्योंकि प्रतिपक्ष के पास कोई वाजिब मुद्दे नहीं है, उनको सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दे नहीं मिल रहे, इसलिए वो किसी भी घटना को नहीं, ये तो विषय है सर वीरेंद्र सिंह चौहान जी, मैं ये कह रहा हूँ कि लगातार जो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस का जो ढीला रवैया, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दें कि अपराधी अपराध करने से किस युग में चूके हैं, उनको जब मौका मिलता है वो करते हैं, हमारा काम उनको रोकना है, रोकने के लिए पहरेदारी करना है और कर दे तो उनको नाथना है, दंडित करना है, हम अपने काम में लगे हुए हैं और जहाँ कहीं अपराधी लगातार तकनीकी रूप से सक्षम होते चले जा रहे हैं। वीरेंद्र सिंह जी, हम हर बार ये कहते हैं कि हम अपनी पुलिस को बेहतर करें, तकनीकी रूप से और भी ज्यादा मजबूत करें ताकि वो अपराधियों से लोहा ले सके। निरंतर हम इस काम में लगे हुए हैं, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये काम करने का नहीं है। हम पुलिस प्रशासन की सारी व्यवस्था को हर दिन और अधिक दुरुस्त करने की दिशा में काम कर ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष को मानना नहीं। विपक्ष को केवल कौन कौन लोग हम पर कानून व्यवस्था खराब करने का आरोप लगा रहे हैं, जरा सोचिए उनका चरित्र देखिए, वो लोग देश की जनता को गुमराह करके आगजनी के लगे। ठीक है मैं जरा एक आरोप लगा रहे हैं। हाँ, मैं आपके पास वापस आता हूँ। वीरेंद्र जी, हमारे साथ रंजिता मेहता जी कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। रंजिता जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। प्रदेश में अपराध की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, बार बार कांग्रेस और विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार नाकाम है इन बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए। सरकार कहती है कि आप जरा ये तो देखिए कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके कार्यकाल में कितना अपराध हुआ था। अब आप क्या कहेंगे इस पर? कहीं ना कहीं भाजपा की अगर मैं बात करती हूँ, इनके लिए एक कहावत बड़ी सटीक बनती है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कहीं ना कहीं जो इनकी विफलताएं हैं, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर आज माहौल गर्म है, जिस तरीके से पूरा देश जल रहा है, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की जो धज्जियां हैं
हर प्रदेश के अंदर उड़ रही है, उसके बावजूद ये कहना कि हम निरंतर सुधार ला रहे हैं, हम निरंतर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के आंकड़े ना सामने आते, तो इसके पीछे बहुत बहुत बड़ा कारण है। आज देश के अंदर जो बेरोजगारी की हालात है, युवा जो है बेरोजगार है, आज महंगाई चरम सीमा पे है, ये सब चीजें जो है अपराध को बढ़ावा देती हैं। आज इंसान अगर दो वक्त की रोटी चैन से नहीं कमा पा रहा तो उसकी जो दिमाग और उसकी हालात है वो उसको अपराध करने के लिए मजबूर करती है। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि भाजपा का इसके पीछे बहुत बड़ा रोल है, ये नाकाम है। आज ये कहते हैं एक जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा कारण है जो कि लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी। देखिए, बेरोजगारी अपराध बढ़ने का एकमात्र कारण तो ऐसा नहीं है, इसके भी एक भूमिका हो सकती है किसी अंश में, लेकिन बेरोजगारी से निपटने के लिए रोजगार अधिक से अधिक युवाओं को, नई पीढ़ी के लोगों को मिले, उस दिशा में हम निरंतर काम कर रहे हैं। मेरा तो आरोप कांग्रेस पार्टी पर ये है कि अच्छे खासे भोले भाले नागरिकों को गुमराह करके उनके हाथों में पत्थर थमा रही है, उनके हाथों में पेट्रोल पंप थमा रही है और उनको कह रही है। चलिए, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि कुछ प्लानिंग करना चाह रही है सरकार अपराध को भड़काने वाले, अपराध को रोकने के लिए, अपराध को कम करने के लिए कोई प्लानिंग करना चाहती है सरकार? हम तो लगे हम करेंगे, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ इनसे जरा पूछ लीजिए कांग्रेस की प्रवक्ता से कि क्या इनको शर्म आती है इनकी पार्टी को कि ये भोले भाले नागरिकों को देश की संसद द्वारा पारित संविधान सम्मत कानून के खिलाफ। ठीक है सर, ज्यादा समय ज्यादा इजाजत नहीं देता। खैर, बहुत शुक्रिया अपना समय हमारे कार्यक्रम में देने के लिए, बहुत शुक्रिया दोनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर स्पष्ट है कि लगातार जिस तरीके से अपराध के मामले सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये चिंताजनक है और सरकार को सख्त रूप में और पुलिस प्रशासन को खास तौर पर अपने आप को और भी ज्यादा सक्षम मजबूत करना होगा और ऐसे बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जनता के सहयोग की भी जरूरत है, जिससे बढ़ते अपराधों पर पुलिस हर एक जगह पर पैनी नजर बनाए रखे। फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।